गंदा क्रैश हुआ है भाई। कहाँ से निकल के आ रहे हो यार? पूरी की पूरी हवा में उड़ी है भाई। अभी इसका नुकसान हुआ है, कौन देगा बताओ? तुम भरोगे इसका नुकसान? नहीं, गलती किसकी? तुम मेरे को बताओ, गलती तो दोनों की है ना। आप भी स्पीड में आए तो भाई, एक बार कमेंट करके बताओ, कल बोल चुको सर्विस पे दे दिया जाए तो। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। इतने दिनों बाद अपने घर से व्लॉग स्टार्ट हो रहा है, और भाई किस फ्रेम से हो रहा है मैं वो आप लोगों को चेक करा दूं। तो गाइस ये देख लो भाई, ये रही अपनी मिनी रेड बी, और ये रही भाई अपनी बुल्क। तो बहुत सारे भाइयों को लग रहा था बुल्क सेल तो करी थी, बट घर वालों ने ना सब लोगों ने मना कर दिया कि भाई बुल्क को सेल नहीं करनी यार, 5-6 हज़ार के चक्कर में अपनी याद क्यों खराब करे। जैसे भाई मैंने इसको रख रखा है अभी तक, सोचो भाई इसको भी ना 8-9 साल हो रहे रखे रखे, बुल्क को भी 3 साल हो चुके हैं। मैं कोई साइकिल वगैरह सेल नहीं करता, बट थोड़ी परेशानी चल रही थी कि रखने की दिक्कत थी। अब तो अपना एक फ्रेंड है, उसके गोदाम में भाई सारी साइकिलें खड़ी रहती है। और अभी भाई मैं आप लोगों को मैंने बताया था कि अपना 6 साइकिल का कलेक्शन हो चुका, तो अभी चलते भाई मैं गोदाम में भी आप लोगों को दिखाऊंगा कहाँ कहाँ साइकिल खड़ी हुई है अपनी। यार यहाँ से निकलते निकलते मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं कि यार बुल्क का क्या करा जाए, एंड मैं सोच रहा हूँ कि भाई बुल्क को ना प्रॉपर ठीक करा लिया जाए। भाई एक बार कमेंट करके बताओ, कल बुल्क को सर्विस पे दे दिया जाए तो। जैसे ही आप लोगों के अगर कमेंट आते हैं तो भाई मैं बुल्क को कल सर्विस पे दिया हूँ। बाकी यार मैं सोच रहा हूँ, ये देखो भाई कितना रैप वगैरह देखो कितना बुरा हो चुका है इसके साथ। तो भाई ये चेक कर लो, अजीत भी आ चुका है, बाकी अपने आ चुके गोदाम पे। एंड यहाँ से ना देखो मेरी जो 3-4 साइकिल जो भी है ना वो यहाँ खड़ी रहती है, बाकी लोग खोलते हैं। पता है यार यहाँ पे खड़ी करना भाई एक होता है कि दोस्त यारी का बहुत बड़ा फायदा है। अगर दोस्त नहीं काम आता ना तो भाई मैं सारी साइकिलें सेल फर्स्ट। देखो भाई ये देखो हमारी फैट बाइक इधर खड़ी हुई है। तो भाई अभी वाली लिमिट लेके चल रही है, एंड इसमें ना सीट नहीं है क्योंकि वाली सीट मैंने अपनी फैट बाइक में लगा दी थी, तो अभी इसकी सीट निकालते। ये देखो दूसरी लिमिट भी मेरे पास पड़ी हुई है, बाकी इसकी वीडियो वगैरह बहुत जल्दी आने वाली है। तो आप लोग भी ना मैं सच बता रहा हूँ भाई, जिस हिसाब से ये साइकिल है ना आप लोगों को ना बाय करनी चाहिए, क्योंकि तो भाई इतनी स्ट्रॉन्ग है, मैंने इस पर स्टंट वगैरह कर लिए, सारी चीज़ कर ली भाई, 1% फर्क नहीं पड़ा जिस हिसाब से रेट है इसका। तो भाई लिंक ना मैं देखो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ जाके ना अमेजोन से भी तुम बाय कर सकते हो, तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा, और इस टाइम पे तो भाई बढ़िया डिस्काउंट चल रहा है। बाकी अभी चलो सीट वगैरह लगाते फिर निकलते हैं यहाँ। चलो यार अभी तो मैं लेके निकल रहा हूँ लिमिट को, और लिमिट पे आ गए हम लोग, हवा में हो रही है भाई, लिमिट में ना बहुत कम हवा है, तो आराम आराम से निकलते हैं। पीछे फैट बाइक लेकर आ रहा है ये, तो ये कह रहा भाई मैं फैट बाइक चलाऊंगा, मैं तुम लिमिट चला लो ठीक है। बाकी यार लिमिट को भी ना बहुत टाइम बाद निकाला है, तो भाई मजा आने वाला है। चलो यार आ गए अपने मेन रोड पे, बाकी हवा वाली शॉप जो थी ना वो बंद हुई पड़ी है, और ये देखो भाई आगे लेके निकल रहे आराम आराम से। भाई अजीत तो आगे निकले जा रहा है यार, तुम्हारा भाई पीछे हो जा रहा है। ओहो, बाकी हटिया 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 हटिया, ये देखो भाई आप निकलते हैं आगे, देखते कौन पहुँचता पहले। बाकी तुम्हें पता है तुम्हारा भाई कैसे निकलता है? ओ भाई ओ शिट भाई, थोड़ा सा खींचना पड़ेगा। ओहो हो भाई साहब, रुक जा रुक जा रुक जा भाई, ओ तेरी, चल 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 चल, बढ़िया मौज में, थैंक यू भैया निकलते भाई। एंड भाई ने थोड़ी सी हेल्प कर दी यार, अभी ये देखो ये बंदा, ओए ओ भाई साहब इसके एकदम करीब से निकला भाई मैं। गाइस पहुंच गए यार पेट्रोल पंप, पहले चलो हवा डलवा लेते हैं, क्योंकि ट्रैक पे चलना है भाई, अभी ट्रैक पे निकल रहे थे, पहले हवा डलवाएंगे फिर निकलेंगे यार। तो चलो यार आगे पीछे दोनों हवा डालनी है अपने टायर में, हवा ना बहुत कम हो रही है देखो। तो चलो यार हवा हो गई एकदम फुल, चलो यार हवा वगैरह फुल हो गई, अब निकलते हैं यहाँ। आ जा अरेस्ट कर ले, देखते कौन पहुँचता है पहले। चलो गाइस अब खींचते इसे, भाई साहब निकलती है भाई ये। ओह यार अभी कर रहे हैं बाइक एक्सचेंज, एंड अभी हम रहो राजघाट के पास ही है, बाकी अभी तुम्हारा भाई ले लिया तुम्हारे भाई के पास आगे फैट बाइक, और ये चला रहा है लिमिट, रेड लाइट हो रही है भाई, रेड लाइट जैसे क्रॉस होती है फिर निकलेंगे यार। हो गई ग्रीन लाइट, बाकी निकलते हैं यहाँ से। भाई ये कह रहा है भाई ये वाली मास्क चल रही है भाई, वही वाली ले ले तू, दोनों आ गए यार चेंज हो गई बाकी। चलो तो भाई ये तो देखो, ओहो भाई विदाउट गियर है वो कैसे निकल रहा है यार। ओ भाई मैं गियर में नहीं निकल पा रहा है देखो, वो शिट है। ओ भाई निकल गया ये तो बंदा, भाई पीछे करना है इसको कैसे भी करके, बाकी चलने दो। ओए भाई क्या मस्त भाग रही है यार ये फैट बाइक ने, थका दिया भाई मुझे इतनी जल्दी, देख रहे हो। तो कुछ भी कहो यार फैट बाइक पे जो लुक आता है ना वो एक अलग ही लुक आता है, कई मैंने पैंडल देखो छोड़ रखे हैं, और अपने आप चल रही है भाई स्मूथ है, ये भी कोई इसमें दिक्कत नहीं, बस इसमें थोड़ी पावर लगती है यार। आ गए अपने आराम से ट्रैक की तरफ, ओए क्या कर रहा है। तो भाई देख लो पहुंच गए ट्रैक पे, ओ ओ तेरी, ओ भाई स्पीड चेक कर रहे हो यार बंदे की, गाड़ी से मैं मारता। ओह देखो भाई देखो उनके आगे रिएक्शन देख रहे हो कितने प्यारे आ रहे हैं यार। अभी हम जा रहे हैं यहाँ से रेस करने के लिए, बाकी मीटर इग्नोर करना क्योंकि इसमें कुछ दिख नहीं रहा, बस ये ऑन है। चले रुक जा भाई,
हाँ बस ये चलो 1 2 3 स्टार्ट। ओह गियर डाल दे, दफा गियर आ गया। ओहो ओ भाई साहब, भाई साहब कोई है ही नहीं। ओ भाई ओहो भाई दार करना, क्रैश हुआ है भाई। कहाँ से निकल के आ रहे हो यार? मुझे साइकिल हवा पलट दी यार। यार ये तो देखो कहाँ से निकल के आ रहे हो भाई। ये देखो एक अभी बहुत गंदा क्रैश हुआ तुम्हारे भाई का। बाकी ये बंदा ना यार, मैं भाई तुम बहुत छोटे हो सीरियसली, तभी कुछ नहीं बोल रहे, अचानक से यूं करके आए भाई और डायरेक्टली घुसे हैं। मैं कह रहा हूँ इतनी ऊंची फैट बाइक उछली है ना भाई, पूरी साइकिल आते पंप होके उछली है भाई, इतनी गंदी तरीके से। बाकी यार तुम देख के चलाओ भाई, थोड़ा किसकी हमारी गलती है? नहीं गलती किसकी, तुम मेरे को बताओ। स्पीड में हम सीधे आ रहे हैं बाबू, इतना लंबा कट क्यों ले रहे हो तुम? मैं तुम्हें क्लिप दिखा दूंगा किसकी गलती है भाई। अच्छा हुआ मैं सच कह रहा हूँ, कोई गाड़ी वाड़ी नहीं थी, वरना भाई मैं बताऊँ सच बता रहा हूँ, फैट बाइक पूरी की पूरी हवा में उड़ी है भाई। अभी इसका नुकसान हुआ है कौन देगा बताओ? तुम भरोगे इसका नुकसान? या तुम्हारा हो जाता तो कोई देता है आज के टाइम में? कोई नहीं देता भाई। साइकिल हटा लो वहाँ से यार, तुम छोटे छोटे से तो हो, ठीक है आराम से चलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी देखो यार फैट बाइक का ना पूरा अलाइनमेंट खराब हो गया, पूरा इधर दब गया भाई। मैं अचानक से ऐसा हो गया, मैंने कहा भाई ये क्या हुआ है, और मैं डर गया, मैंने यार बच्चा था, अगर कोई और होता ना तो बोलते भी यार कुछ। बाकी चलो ठीक है भाई, तुम्हारे लगी तो नहीं ना, लगी तो नहीं ना भाई पक्का? तो यार ये ना आप पता नहीं आगे वाला टायर ठुका था या पीछे वाला टायर ठुका था भाई, बताओ यार अब कैसे होगा है? मैं मेरे को भी तो जाना होता है ना यार। सॉरी भाई, सॉरी मांग रहे हो वो एक अलग बात है, बट तुम्हें आगे से याद रखना है कि कभी भी ना ऐसे टर्न नहीं मारना, इतना लंबा टर्न नहीं मारना। पता क्या होता है, अच्छा वह कोई बाइक नहीं थी, 3-4 बार बोलना, अगर कोई बाइक या कार होती ना बताओ क्या हाल होता तुम्हारा? पता कहाँ जाते तुम यूँ बाहर रोड पे भाई, पता नहीं। बाकी चलो यार अभी ना देखते हैं। और ये देखो ये अलाइनमेंट है ना पूरा का पूरा, यहाँ चिपक गया फैट बाइक का। बाकी चलो कुछ ना कुछ करते हैं। तो भाई इन लोगों को भाई इधर ही रोक लिया, बाकी इन्हें कहा भाई राइड करने के लिए। कैसा लगा राइड करके? अच्छा लगा? बहुत बुरा लगा, गिर गया यार ये बंदा। बाकी अभी अचानक से आए थे तुम्हें पता भाई क्या क्या सीन हुआ? बाकी कोई नहीं, आ रही है हमें ही देखने आए थे स्टंट वगैरह। और भाई ये क्या कह रहा है तू? कुछ कह रहा था अभी कह रहा है भाई तुमने एक मैकेनिक रख रखा है साथ में, क्यों भाई ऐसा क्या ऐसा क्यों? अरे नहीं मेरा मतलब वो नहीं था, क्या मतलब था बताओ? कि वो हाँ जिसको नॉलेज हो साइकिल की। हाँ भाई एक बात तो है, ये बंदा भाई को देखो अभी फैट बाइक का ही खराब हुआ है। कुछ भी होता है ना भाई, यही है हमारे ग्रुप में जो सारी चीजें ठीक कर देता है। ओए गिरानी नहीं है भाई, चलो भाई फैट बाइक का जो भी अलाइनमेंट वगैरह टेढ़ा हो रहा है ना वो ठीक कर रहा है। तो चलो यार अपनी फैट बाइक होगी एकदम कंप्लीट, बाकी ब्रेक वगैरह चेक कर रहा है एंड अब होके फिर निकलते हैं यार यहाँ से। तो गाइस फाइनली यार पहुंच चुके हैं गोदाम के अंदर, बाकी यहाँ लगा दी अपनी बाइक के और चलो निकलते हैं यार यहाँ से। इस वाले ब्लॉग को करते हैं इधर ही एंड, आई होप कि आप लोग पसंद आया तो इसको लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।